हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हम घर पर ही परफेक्ट दही किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे जमाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ ट्रिक्स फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हमारा दही इस प्रकार से बहुत ही चक्का बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फुल फैट मिल्क ले लिया है। आधा लीटर मैंने यहाँ मिल्क ले लिया है। उसे हम कट करेंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपको दही जमाना है तो उसके लिए आपको फुल फैट मिल्क ही लेना पड़ता है। अब हम इस दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इस दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है। 3 से 4 उबाल आने तक हमें गर्म करना है और 3 से 4 उबाल आने के बाद भी हमें 2 मिनट और गर्म करना है। लगभग 6 से 7 मिनट हमें गर्म करना है। इलायची इसमें नहीं डालना है। हमारा दूध अब अच्छे से बॉईल हो गया है। 3-4 उबाल आ गए हैं। अब हम दूध को थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाए। दूध ठंडा हो गया है। अब इसमें जमी हुई मलाई हम पूरी निकाल लेंगे। ये ऑप्शनल है क्योंकि इसमें फैट रहता है, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा दही प्रिपेयर होता है। मैं हमेशा निकालती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इस मलाई को डाल भी सकते हैं। साइड से जो भी हमारी मलाई जमी हुई है हम निकाल कर अच्छे से दूध को मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और उसमें 2 चने के दाने जितनी हम दही ले लेंगे। ध्यान रहे दही खट्टा ना हो, वरना जो हम दही प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरी खट्टी हो जाएगी। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड करेंगे और उस दही को मसल कर इस दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैश करते हुए मिक्स करना है। दही अच्छे से अब मिक्स हो गया है, ये देखिए। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ जिसमें मुझे दही जमा कर रखना है। आप किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं। तो इसे मैं अब ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पूरा दूध मैं इसमें डाल दूंगी और जो हमने दही और दूध मिक्स किया था एक बॉल में, वो हम पूरा फैलाते हुए चम्मच से दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमने अब दही और दूध इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर आटे के डब्बे में रख रही हूँ। आटे के डब्बे में बहुत हीट होता है। एक प्लेट रखकर हमें इस दही को उस कंटेनर में रख देना है। नीचे और ऊपर एक प्लेट से ढककर रखना है और इसका कवर हमें बंद कर देना है। दही जमाने के लिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मोस्टली स्टील के बर्तन में ही रखती हूँ। आप एल्यूमिनियम में या मिट्टी के बर्तन में भी इस दही को जमा सकते हैं।
फ्रेंड्स 6 घंटे हो चुके हैं। अब भाई हमारा ये दही बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने आटे के डब्बे से इसे निकाल लिया है, बिल्कुल परफेक्ट दही जमा है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करके दही जमाएंगे तो आपकी दही इसी प्रकार से बहुत ही चक्का बनकर तैयार होगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।